नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुत बड़ी खबर। एक साथ कई बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पहली बड़ी खबर ये है कि आप सब जानते हैं कि आज जेएसएससी कार्यालय के बाहर छात्रों का प्रदर्शन था। प्रदर्शन इसलिए था क्योंकि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में धांधली को लेकर लगातार छात्र जो है आवाज उठा रहे थे, और आज सैकड़ों हजारों की संख्या में राज्य भर से छात्र जो है पहुंचे थे जेएसएससी कार्यालय के बाहर, और सुबह से लगातार प्रोटेस्ट जारी था। अब वहां से खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि उस प्रोटेस्ट में पहले लाठीचार्ज हुआ, बाहर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी था, और अंदर से ये सूचना जेएसएससी की तरफ से जारी कर दी गई कि 4 तारीख को जो परीक्षा होनी थी जेएसएससी की, जेएसएससी सीजीएल की, उस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। इसके साथ साथ 28 जनवरी को जो परीक्षा हुई थी 3 पालियों में, उसमें से एक पाली तृतीय पाली जो सामान्य ज्ञान का था उसको तो पहले ही कैंसिल कर दिया गया था। अब जो 2 परीक्षा थी उसे भी कैंसिल कर दिया गया, मतलब 28 को जो परीक्षा हो चुकी थी और 4 तारीख को जो परीक्षा होनी थी, दोनों परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर और उन छात्रों के लिए राहत भरी बड़ी खबर है जो लगातार ये कहते रहे थे कि सभी सीटों को बेच दिया गया है। आप सब जानते हैं कि कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सवाल खड़ा किया था और कहा था कि सरकार ने सभी नौकरियां जो है बेच दी है। तो ये बड़ी खबर जेएसएससी से निकलकर सामने आई है। और दूसरी बड़ी खबर, आप सब जानते हैं कि एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ चल रही है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने SC ST थाने में मामला दर्ज कराया है। किन अधिकारियों के खिलाफ ईडी के मामला दर्ज कराया है ये भी हम बताएंगे। आप जानते हैं कि ईडी के जो डायरेक्टर हैं कपिल राज और जो इस केस के आईओ हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के देवव्रत झा, उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है रांची के SC ST थाने में। इसके साथ साथ क्या कुछ डिटेल है हमारे सहयोगी संजय बताएंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आई है। खबर ये है कि गृह सचिव का तबादला कर दिया गया है। मुख्य सचिव जो एल खयांतके हैं उन्हीं को गृह सचिव का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। आप समझिए कि एक तरफ अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ कर रही है और दूसरी तरफ कितनी चीजें एक साथ चल रही है पूरे स्टेट में। तो ये बहुत कुछ संकेत दे रहा है कि आज की पूछताछ में बहुत कुछ होना है। अब क्या कुछ होगा ये तो थोड़ी देर बाद स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन फिलहाल ये तमाम बड़ी खबरें एक साथ निकलकर सामने आई है कि जेएसएससी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के बड़े अधिकारियों पर मामला दर्ज कराया है, और दूसरा गृह सचिव का तबादला कर दिया गया है और मुख्य सचिव को ही गृह सचिव का प्रभार दिया गया है। तो एक एक करके डिटेल में भी आपको खबर बता देते हैं कि देखिए, जो जेएसएससी के तरफ से जो परीक्षाएं स्थगित की गई है उसमें आवश्यक सूचना में ये लिखा गया है कि जेएसएससी सीजीएल 2023 28 को आयोजित परीक्षा को तृतीय पाली सम्मान ज्ञान में कतिपय प्रश्नों पत्र के लीक ये था। और अभी जो सूचना जारी की गई है उसमें लिखा गया है कि 4 तारीख को निर्धारित परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और 4 तारीख को निर्धारित उक्त परीक्षा की पुनर्निर्धारित तिथि आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि परीक्षा जो 28 तारीख को हुई थी 3 पालियों में, उसमें एक पाली की परीक्षा पहले ही स्थगित कर दी गई थी। अब और बाकी जो 2 पाली की परीक्षा बची हुई थी उन दोनों पालियों की भी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा हमारे सहयोगी संजय जुड़ेंगे हमारे साथ, बताएंगे। संजय, ये बताइए कि जो FIR दर्ज कराया गया है या फिर कंप्लेन दर्ज कराया गया है SC ST थाने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से, उसमें क्या कुछ है? देखिए, वो जो कंप्लेन दर्ज कराया गया था वो FIR में तब्दील हो चुका है। FIR हो गया, बिल्कुल। और ये बाबूलाल मरांडी, तो देखिए FIR भी हो चुका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कंप्लेन दर्ज कराया था ईडी अधिकारियों के खिलाफ वो FIR में कन्वर्ट हो गया है, और बाबूलाल मरांडी ने बकायदा ट्वीट किया है उस पेपर को, और उस पेपर में बकायदा FIR रजिस्टर्ड होने की जानकारी है, और उसमें ये भी लिखा है कि कौन कौन सा इसमें धारा लगाया गया, कौन कौन से धारा लगाए गए। देखिए, इसमें US 3-1 SC ST PA एक्ट के तहत केस किया गया है, और कई सारे जो मामले हैं इसमें जोड़ा गया है, और किस किस अधिकारियों का जो नाम है। जो इंग्लिश में ये 2 पन्ने का जो मामला है वो दर्ज कराया गया है। कुणाल, वो पूरा मामला हिंदी में क्या कुछ इसमें लिखा गया है ये हम पढ़ के आपको बताते हैं। इसमें लिखा गया है कि प्रभारी निरीक्षक SC ST थाना रांची महोदय 31-1-2024, मतलब कि आज ही ये मामला दर्ज कराया गया है, लीक कर दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि शिबू सोरेन के पुत्र
3 कांके रोड रांची के निवासी अनुसूचित जनजाति के सदस्य और साहेबगंज निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधानसभा सदस्य हेमंत सोरेन ने कपिल राज के खिलाफ यह शिकायत दर्ज लिखा है। देवव्रत झा कपिल राज के अलावे श्री अनुपम कुमार, अमन पटेल, अज्ञात अन्य, प्रवर्तन निदेशालय रांची जोनल कार्यालय के सभी अधिकारी जिनका कार्यालय हिनू रांची में है, ये इनके इतने लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया गया है। इसके अलावे इसमें लिखा है कि जब मैं रांची आया तो दिनांक 30/1/2024 को इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया में भी उपरोक्त अधिकारियों की कार्रवाई देखी, जिन्होंने झारखंड भवन नई दिल्ली एवं शांति निकेतन नई दिल्ली में सर्च ऑपरेशन चलाया था मुझे और मेरे पूरे समुदाय को परेशान करने और बदनाम करने के लिए। निम्नलिखित की मीडिया में स्थानीय कवरेज जैसा कि नीचे बताया गया है अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में मेरे खिलाफ बनाई गई है। 27 और 28 जनवरी 2024 को मैंने नई दिल्ली का दौरा किया और परिसर संख्या में रुका, वो बता रहे हैं कि कहां पर रुका था, शांति निकेतन में, जिसे झारखंड राज्य द्वारा आवास एवं कार्यालय उपयोग पर लिया गया है। 29 जनवरी 2024 को मुझे पता चला कि उपरोक्त व्यक्तियों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उक्त परिसर में कथित तलाशी ली थी। यह कथित तलाशी मुझे बिना किसी सूचना के दी गई थी और न ही उपरोक्त नामित व्यक्तियों द्वारा 29 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में मेरी उपस्थिति की आवश्यकता थी। वास्तव में उपरोक्त नामित व्यक्ति ने मुझे 29 और 31 जनवरी 2024 को रांची में उपस्थित रहने के लिए कहा था। हालांकि राष्ट्रीय और झारखंड स्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा व्यापक कवरेज से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त नामित व्यक्तियों ने मीडिया को इसकी जानकारी दी थी कथित खोज, ताकि मीडिया में तमाशा बनाया जा सके और आम जनता की नजरों में मेरी बदनामी हो। मुझे 31 जनवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में के रिपोर्ट से पता चला कि उपरोक्त व्यक्तियों ने चुनिंदा गलत सूचना लीक की है कि उक्त परिसर से जब्त की गई नीली BMW कार मेरी है, मेरे पास से भारी मात्रा में अवैध नकदी मिली थी। मैं BMW निर्मित उस कार का मालिक नहीं हूं जिसे उपरोक्त व्यक्ति ने जब्त करने का दावा किया है। मैं किसी भी अवैध नकदी का मालिक होना उपरोक्त नामित व्यक्तियों और अज्ञात लोगों ने जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है, जानबूझकर मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिए उपरोक्त कृत्य किया है। उपरोक्त व्यक्तियों और अज्ञात अन्य लोगों ने जो कि किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है, मेरे खिलाफ झूठी और दुर्भावना पूर्ण और कष्टप्रद आपराधिक कार्रवाई शुरू की है। उपरोक्त नामित व्यक्तियों और अज्ञात लोगों अन्य लोगों ने जो किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य नहीं है, झूठे साक्ष्य दिए हैं और गड़े हैं, यह जानते हुए कि वे मुझे ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराएंगे जिसके लिए कारावास से दंडनीय सजा हो, 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो। उपरोक्त नामी व्यक्तियों और अन्य लोगों के खिलाफ SC/ST के सदस्य नहीं है और इसलिए इन पर मानसिक और मनोवैज्ञानिक भावनात्मक क्षति हुई है। मैं आपसे इस FIR को दर्ज करने का ये कर रहा हूँ। इसमें देखिए कि SC/ST केस दर्ज हुआ है जिसमें कि बताया गया है, तो संजय ये तो डिटेल है, इसमें यही बताया गया है कि भाई ये सब व्यक्ति हमारे यहाँ पर आए और जानबूझकर ये जितने लोग आए थे ये लोग आदिवासी नहीं थे और मुझे फंसाया जा रहा है। नहीं, इसमें दो जो स्पष्ट से बोला गया है सनी, उसमें बकायदा बोला गया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि 29 जनवरी और 31 जनवरी को ईडी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है रांची में, इनके द्वारा यह बोला गया था कि आप पूछताछ के लिए हाजिर रहिए। उसी बीच बगैर किसी जानकारी के वो शांति निकेतन जो दिल्ली स्थित इनका जो आवास है जो रेंटेड है और झारखंड भवन, इन जगहों पे जो छापेमारी हुई है उसको लेकर के ये बोल रहे हैं। और इस दौरान ईडी द्वारा खबरें प्लांट करने की भी कोशिश की गई जिसमें वो बकायदा बोल रहे हैं कि BMW मेरा बताया जा रहा है जो कि मेरा नहीं है, पैसे की जो 36 लाख रुपए नकदी की बरामदगी की जो बात है उस पे बकायदा ये बोल रहे हैं कि मेरा उसमें कोई भूमिका नहीं है अवैध पैसा रखने में। तो ये दोनों चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री ने बकायदा SC/ST थाने में इस बात का जिक्र किया है आवेदन में जो कि अब FIR में तब्दील हो चुका है। कहा गया है कि ये लोग नेशनल न्यूज मीडिया में
प्रिंट मीडिया में जानबूझ करके जो है खबरें प्लांट करा रहे थे ताकि मेरी छवि खराब हो, मेरी छवि इस खराब करने में इस पूरे टीम में, चूंकि कोई ट्राइबल या फिर एससी कैटेगरी का कोई अधिकारी नहीं था, तो एक कोशिश की गई है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है इन्हीं के आवेदन में कि जो षड्यंत्र किया गया है, जो कृत्य किया गया है ईडी के अधिकारियों के द्वारा, उसमें जो सजा हो सकती है वो 7 साल का सजा हो सकता है इन अधिकारियों को। तो आप देखिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है काफी अग्रेसिवली इस मामले को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तब जबकि ईडी और सीएम के अब बीच में जो है लड़ाई अब काफी आगे बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री यहाँ पे यह इस बात पे जो जोर दे रहे हैं कि 29 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक में जो मुझसे समय मांगा गया था और उसी बीच दिल्ली स्थित मेरे आवास पे इस तरीके का जो रेड किया गया जिसकी जानकारी नहीं दी गई, और उस रेड में मेरी वहाँ पे मौजूदगी होने नहीं होने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपको रेड भी कर रहे थे तो हेमंत सोरेन नहीं है इससे क्या फर्क पड़ता है। आपके पास अगर सर्च वारंट है तो सर्च वारंट के दौरान अगर आप हेमंत सोरेन के आवास पे छापेमारी कर रहे थे तो वहां हेमंत सोरेन की मौजूदगी का क्या सवाल है। लेकिन अब चूंकि अब देखिए यहां पे तो ईडी ने तो बकायदा कहा नहीं सामने आकर के कि मुख्यमंत्री यहां पे नहीं है, लेकिन सीएम हेमंत क्या बोल रहे हैं कि मेरी छवि खराब की गई, परेशान किया गया, कैसे, तो खबरें प्लांट करके। तो एक तरीके से ईडी पे एक बड़ा आरोप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगा रहे हैं कि चूंकि मैं आदिवासी समुदाय से आता हूं तो ऐसे में जानबूझ करके मेरी छवि और मेरे समुदाय की छवि, आदिवासी समाज की छवि जो है खराब करने की कोशिश हो रही है, और इसी चीज को लेकर के जो है एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एफआईआर कराई है जो कि एससी एसटी थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। तो बिल्कुल आपने डिटेल में जाना कि किन अधिकारियों के खिलाफ, दो से तीन चार नाम जो है, एक तो कपिल राज का नाम है एफआईआर में, दूसरा देवव्रत झा जो इस केस के आईओ है, तीसरा अनुपम और एक और नाम है। तो इन लोगों के खिलाफ जो है अलावे भी कई सारे अज्ञात लोगों पे केस दर्ज, ये भी लिखा है कि रांची जोनल ऑफिस में जितने अधिकारी कर्मचारी हैं सब पर। बिल्कुल, और आप देखिए कि इसे लेकर के जो मीडिया के लोग जो लगातार यह प्रयास कर रहे थे कि एफआईआर की कॉपी मिल जाए, इस एफआईआर की कॉपी भी बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया और उसको सार्वजनिक उन्होंने ही किया है, और बाकायदा वो बोल रहे हैं कि ये देखिए ये क्या हो रहा है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों पर एससी एसटी एक्ट के तहत एससी एसटी थाने में खुद ही मुकदमा दर्ज कराया है। एससी एसटी एक्ट का इससे बड़ा दुरुपयोग और मजाक का दूसरा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। अपने कर्मों से हेमंत सोरेन अपनी एवं सोरेन परिवार की प्रतिष्ठा पहले ही धूमिल कर चुके हैं, अब भगवान उन्हें कुछ सद्बुद्धि दें। ये बाबूलाल मरांडी के बोल हैं जो इस एफआईआर की कॉपी को ट्वीट करते हुए जो है उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और बकायदा कहा है कि एससी एसटी एक्ट का जो सबसे बड़ा अगर कुछ उल्लंघन हो सकता है, दुरुपयोग हो सकता है, उसको मजाक बनाया जा सकता है, तो ये यहाँ पे कराया जा रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कराया जा रहा है। तो देखिए बाबूलाल मरांडी तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लीडर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड बीजेपी के, तो उनका जो अपने हिस्से का काम है वो अपना कर रहे हैं। हमलावर ऑलरेडी वो रह रहे हैं, जिस दिन से ईडी की दबिश पड़ी है दिल्ली स्थित हेमंत सोरेन के आवास पे, उस दिन से ही हेमंत सोरेन पे वो हमलावर हैं। बकायदा उन्होंने पोस्टर लॉन्च कर दिया कि हेमंत सोरेन गायब हैं, उसके बाद 11,000 रुपया का इनाम रख दिया। अब जब हेमंत सोरेन ने एफआईआर कराई है उस पे वो बोल रहे हैं कि एससी एसटी एक्ट का इससे बड़ा दुरुपयोग कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल एफआईआर में क्या कुछ है डिटेल में हम लोगों ने आपको बताया, और एक साथ कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आई थी, सबकी जानकारी दी। और जेएसएससी की जो परीक्षा स्थगित हुई है वहां से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि जेएसएससी के अध्यक्ष नीरज सिन्हा जब वो जेएसएससी कार्यालय के अंदर जाने के लिए वहां पर उनकी गाड़ी पहुंची, तब गेट पर प्रोटेस्ट कर रहे जो छात्र थे उनकी गाड़ी पर छात्रों ने हमला कर दिया और उनकी गाड़ी को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। नीरज सिन्हा की गाड़ी के पीछे के जो शीशा है उसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। परीक्षा तो स्थगित हो गई, लेकिन जिस तरह से जेएसएससी के अध्यक्ष जो आईपीएस रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं डीजीपी रहे हैं उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि अब प्रशासन की तरफ से इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराया जा सकता है। और जो जानकारी है उसके अनुसार छात्र जेएसएससी का गेट
खोल कर जो है अंदर भी प्रवेश कर गए थे और अंदर प्रवेश कर भी प्रोटेस्ट किए हैं। तो बहुत उग्र प्रदर्शन जो है वहां पर हो गया जेएसएससी कार्यालय के बाहर। वहां पर हमारे दो दो सहयोगी हैं मौजूद, हम कोशिश करेंगे कि एक बार उनसे भी फोन लाइन पर संजय संपर्क किया जाए और वो आंखों देखा हाल बताएं कि आखिर वहां फिलहाल क्या कुछ स्थिति है। अल्ताफ सिद्दीकी सुबह से ही वहां पर थे, सौरभ ऋषभ सुबह से ही वहां पर थे और अल्ताफ सिद्दीकी फोन लाइन पे हैं हमारे साथ जुड़े हुए। सिद्दीकी, क्या कुछ हुआ, कैसे ये प्रदर्शन उग्र हो गया छात्रों का? हाँ सनी भैया, दरअसल छात्र 12 बजे से ही जो है पहले से चूंकि कार्यक्रम था यहाँ पे धरना प्रदर्शन का, छात्र जमा होना शुरू हुए 12 बजे से। हाँ। और 12 बजे के बाद जो है छात्रों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और बहुत मतलब छात्र धीरे धीरे जो है हजारों से मतलब हजारों की संख्या में यहाँ पर छात्र जमा हो गए। और उसके बाद फिर जो है ये लोग चूंकि यहाँ पर सिक्योरिटी भी कहें उतना बहुत ज्यादा नहीं था, कुछ ही फोर्स थे यहाँ पे। मतलब अभी जो परीक्षा स्थगित कर दी गई, यही अगर सुबह या फिर एक दिन पहले ही कर दी जाती तो ऐसी सिचुएशन नहीं बनती, इस तरह की तस्वीर नहीं देखने को मिलती। हालांकि स्थिति ये हो गया था कि यहाँ पर किसी भी छात्र की जान भी जा सकती थी और कोई भी जवान घायल भी हो सकता था क्योंकि दोनों तरफ से जो झड़प हुआ है और मतलब कहें एक तरह से कुरुक्षेत्र टाइप से भी बन गया था एक गाड़ी। तो ये जेएसएससी के जो अध्यक्ष हैं नीरज सिन्हा, उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है? नहीं, जेएसएससी के अध्यक्ष नीरज सिन्हा मतलब आंदोलन प्रदर्शन के दौरान पहुंचे वहां पर। हाँ। कुछ छात्रों उनसे बातचीत करने की कोशिश की लेकिन चूंकि भीड़ है तो भीड़ में सबको कंट्रोल करना मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे पहले से जो फोर्सेस जितने होने चाहिए जब पहले से ये लोग बोल दिए गए। नहीं, ये इसका जवाब दीजिए, जो तस्वीरें निकल कर सामने आई और कई मीडिया में ये खबरें लगातार चल रही है कि नीरज सिन्हा की गाड़ी के पीछे का शीशा जो है पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। जी जी, क्या आपने देखा ऐसा? नहीं, मैं उस टाइम वहाँ पर नहीं था, मैं इस तरफ न्यूज कवर कर रहा था लेकिन जब गाड़ी को देखा तो वो गाड़ी क्षतिग्रस्त थी। हाँ, और गाड़ी क्षतिग्रस्त थी। हाँ, कुछ उपद्रवियों कहे एक तरह से असामाजिक तत्वों द्वारा कहे। हाँ। छात्र जो वहाँ पर थे वो लगातार बातचीत करने की कोशिश करना चाह रहे थे। हाँ। अध्यक्ष से, तो उसी दरमियान पीछे से कुछ छात्र जो है उग्र हो गए और जो मतलब फिर दोनों में झड़प होना शुरू हो गया, छात्र जो नारेबाजी करने लगे और उस पीछे से कुछ जो है भीड़ आक्रोशित होता हुआ, उसके बाद फिर वो लोग मतलब कि परीक्षा रद्द करने को लेकर के बातचीत करने को लेकर के वो लोग बार बार ये कर रहे थे कि नीरज सिन्हा बाहर आए और उनसे बात कर रहे हैं क्योंकि नीरज सिन्हा वो निकले नहीं। क्या पत्रकारों के साथ भी धक्का मुक्की की गई है छात्रों के द्वारा? सिद्दीकी, देखिए भैया, यहाँ जब भीड़ को जब कवरेज किया जाता है और इस तरह की सिचुएशन बनते हैं तो वहाँ पर थोड़ा कैजुअलिटीज तो हो ही जाती है। कुछ पत्रकार जैसा मतलब यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं कि कुछ लोग है जिनसे जो है दुर्व्यवहार किया गया है और कुछ जो है यहाँ से कवरेज के दौरान ही जो है वो वापस लौट गए क्योंकि हम अभी भी यहीं पर है। अभी क्या स्थिति है वहाँ पर? फिलहाल जो है नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन में है कि 28 को जो ली गई थी। हाँ। पेपर वो रद्द कर दिया गया क्योंकि पेपर 1-2 को छोड़ के सिर्फ एक ही पेपर रद्द किया गया था तो वो पूरा पेपर रद्द कर दिया गया है। और साथ ही साथ 4 तारीख को जो सीजीएल का जो मेन परीक्षा होना था फेज 2 का उसको जो है स्थगित कर दिया गया है लेकिन छात्र जो है अभी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में जमा है और कुछ कुछ जो है छात्र नेता है उनका कहना है कि जब तक परीक्षा को रद्द नहीं किया जाता है, स्थगित जो उनका समाधान सॉल्यूशन नहीं है और जेएससीसी के जो अध्यक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, इस तरह से कई मांगों को लेकर छात्र अभी जो है यहाँ पर मतलब ये बोल रहे हैं कि परीक्षा स्थगित की जो की गई है 4 तारीख वाला उसको स्थगित नहीं बल्कि रद्द कीजिए। जी जी, रद्द करने की बात ये लोग कर रहे हैं। हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि जब तक नहीं हिलेंगे तब तक परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता, रद्द नहीं कर दिया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे सहयोगी सिद्दीकी लगातार वहाँ पर बने हुए हैं और हम लोग यहाँ मुख्यमंत्री आवास के बाहर हैं तो ये बहुत हलचल एक साथ राजधानी रांची में हो रही है। तो संजय, जिस तरह से ये तमाम हलचलें हो रही है, खबर जिसपे चर्चा करनी जरूरी है कि गृह सचिव का ऐसे वक्त में उनका बदल देना, स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल चल रहे हैं, राज्यपाल बार बार इस चीज को इंगित कर रहे हैं, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होनी है, जेएसएससी कार्यालय के समक्ष हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे हुए हैं, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? अविनाश कुमार की जो पत्नी है सनी, उससे भी लगातार ईडी पूछताछ कर रही थी, क्या उसका भी एक दबाव है
कि उनका जो पद है गृह सचिव का वो ले लिया गया और जो मुख्य सचिव हैं एल ख्यांते उनको अभी प्रभार में दिया गया है। देखिए एल ख्यांते के भी एसटी कैटेगरी से आते हैं और जब वो बने तो ये बात निकलकर अभी सामने आई कि अपने पक्ष के हिसाब के वैसे लोगों को जो है मुख्य पदों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रखे हैं जो अच्छे से इनसे टैकल हो सके और इनकी बात में आ सके। हर मुख्यमंत्री करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन वर्तमान जो स्थिति है आप देखिए कि इस स्थिति में गृह सचिव को बदल के, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कभी भी कुछ भी बन सकती है, वैसे स्थिति में उनको हटा के मुख्य सचिव को प्रभार देना, इसका मतलब संकेत जो है बहुत अच्छे नहीं मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि शाम तक बहुत कुछ स्थितियां जो है अस्पष्ट होने वाली है, मतलब फिर से उसी लाइन पे आना होगा कि आशंकाएं जो है चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायकों को हो या फिर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हो, इन सारे चीजों पे आशंकाओं पे जो है जो भी सवाल बन रहे हैं उसका समाधान क्या होगा, उसकी तैयारी पहले से कर ली जा रही है। तो बिल्कुल एक साथ कई बड़ी खबर थी इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक ही साथ आपको बताया जाए। तो आप लगातार बने रहिए और हम लोग लगातार यहीं से सभी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।